तब्दील हो रहे हैं। उसी तरह से थोड़ा सा परिवर्तन आया हमारे लोक नाट्यों पर, एक असर डाला जिसमें हो रहा कि आज के समय में ये लोक नाट्य कुछ आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं। और सादगी के साथ, लेकिन एक समय 1850 से लेकर 1930 के बीच में पारसियों का आगमन हुआ और पारसी व्यापारिक संगठनों ने घूम घूम कर पारसी नाटकों का मंचन शुरू किया। इसका असर ये हुआ कि उसकी आधुनिकता में हमारे दर्शक पूरी तरह से उलझे और उनसे प्रतियोगिता के आधार पर हमारे लोक नाट्य के जो दल थे वो भी चमकीली ड्रेसेस को पहनना शुरू किए, रंगीन लाइट का प्रयोग शुरू किए और तो और जो हमारे गांव के वाद्य यंत्र हैं, हारमोनियम, ढोलक, तबला, मजीरा, सारंगी, इन सब चीजों से आधुनिक वाद्य यंत्रों ने अपनी जगह बना ली और आज बहुत से ऐसे लोग लाते हैं जो कीबोर्ड